आजकल दांतों की प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जा रही है और इन पर ध्यान देने की जरूरत है। पेश है सिराज डेंटल क्लिनिक, वन ऑफ द बेस्ट डेंटल सर्विस इन अमृतनगर मुमरा, वो भी आपके बजट में। स्पेशलिस्ट इन टीथ वाइटनिंग, रूट कैनल, टीथ इम्प्लांट एक्सट्रैक्शन, अल्सर्स, ब्रेसेस, ब्रिज एक्सरे, फुल माउथ डेंचर। सीवियर ओरल प्रॉब्लम के लिए सर्जन भी अवेलेबल है विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स एंड मशीनरीज। ओरल केयर एडवाइस, एंटी टोबैको एंड कैंसर अवेयरनेस विद एक्सपर्ट डॉक्टर रिदा इफत, डॉटर ऑफ डॉक्टर शिराज खान। सिराज डेंटल क्लिनिक, जहां हर मुस्कान अनमोल है। अरे उमर अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला। महेश दामोदर खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। उमर अब्दुल्ला का पुतला बनाकर उसे जलाने के लिए लाया गया था, लेकिन पुलिस वाले उस पुतले को लेकर भागने लगे। ऐसा पहली बार हुआ है कि पुलिस पुतला लेकर भाग रही है और आंदोलनकारी पीछे पीछे दौड़ लगा रहे हैं। ये प्रदर्शन मुंबई से सटे ठाणे इलाके में हुआ है। जम्मू कश्मीर में महाराष्ट्र भवन के लिए राज्य सरकार ने जमीन खरीदा है और जल्द ही महाराष्ट्र भवन बनाने का काम शुरू होगा। ऐसे में उमर अब्दुल्ला ने महाराष्ट्र भवन निर्माण का विरोध किया है। आपको बता दें कि उमर अब्दुल्ला ने कुछ दिन पहले बयान दिया था, उसके बाद उमर अब्दुल्ला के पिता फारूक अब्दुल्ला मुंबई इंडिया गठबंधन में शामिल हुए थे। तब युवा सेना को याद नहीं आया कि उनके बेटे ने महाराष्ट्र भवन निर्माण का विरोध किया है। आज अचानक ठाणे के टेंभी नाका पर युवा सेना अध्यक्ष नितिन लांडिये और शिवसेना प्रवक्ता राहुल लोंढे के नेतृत्व में आंदोलन किया गया। उमर अब्दुल्ला का पुतला बनाकर उसे जलाने के लिए लाया गया था, लेकिन पुलिस वाले उस पुतले को लेकर भागने लगे। ऐसा पहली बार हुआ है कि पुलिस भाग रही है पुतला लेकर और आंदोलनकारी पुतला लेने के लिए पीछे पीछे दौड़ लगा रहे हैं। दरअसल पूरा मामला क्या है वो आपको बताते हैं। अनुच्छेद 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर के बडगाम में महाराष्ट्र सरकार ने जम्मू कश्मीर प्रशासन से जमीन खरीदा और वहां पर महाराष्ट्र गेस्ट हाउस बनाने का निर्णय लिया। इसके बाद पूरे देश में ये सुर्खियां बन गई। महाराष्ट्र सरकार जम्मू कश्मीर में सरकारी गेस्ट हाउस बनाने वाला पहला राज्य बन जाएगा। जम्मू और कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, जो फारूक अब्दुल्ला के बेटे हैं, उन्होंने महाराष्ट्र भवन निर्माण का विरोध किया था, जिसके बाद आज युवा सेना के लोगों ने आंदोलन किया। अरे उमर अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला। सत्तर कलम हटने के बाद मोदी सरकार ने 370 कलम कश्मीर से हटाया। पूरे देश में एक आनंद का माहौल है, आज भी है, कल भी तक कर भी रहने वाला है। और इस कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में बहुत सारे पर्यटक, अमरनाथ यात्रा रहे दो, वैष्णो देवी यात्रा रहे दो, अपना कश्मीर घूमने को जाने दो, हजारों लाखों पर्यटक महाराष्ट्र भी जाते हैं। इसलिए महाराष्ट्र के सीएम हमारे एकनाथ शिंदे साहब, फडणवीस साहब, अजित पवार साहब ने फैसला लिया सरकार ने कि वो श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर में अपना एक महाराष्ट्र भवन होना चाहिए, जहाँ अपने महाराष्ट्र के लोग जाके उनको सुविधा मिल सकती है, रह सकते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान का दल्ला होने का काम पिछले अनेक सालों से कर रहे उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, इन्होंने महाराष्ट्र भवन को विरोध किया कि जम्मू कश्मीर श्रीनगर के बडगाम में हम महाराष्ट्र भवन होने नहीं देंगे। इसका निषेध करने के लिए आज माननीय श्रीकांत शिंदे साहब के नेतृत्व में, उर्वेश जी के नेतृत्व में हम सारे युवा सैनिक आज रस्ते पे उतरे। उमर अब्दुल्ला के पुतले का दहन हम करने वाले थे, लेकिन पुलिस वो पुतला उठा के 1 किलोमीटर भाग गई, लेकिन हमने फिर भी उसका जो फोटो था उसका दहन किया है। और हमने आज युवा सैनिक के माध्यम से, शिवसेना के माध्यम से, हम उमर अब्दुल्ला का विरोध करते हैं, निषेध करते हैं, और उसको भी चेतावनी देते हैं कि महाराष्ट्र भवन बांधा ही जाएगा। अगर महाराष्ट्र भवन में घुसने का काम
अगर उमर अब्दुल्ला और उनके चेले करेंगे तो युवा सैनिक शिवसेना भी चुप नहीं बैठेगी, जरूरत पड़ेगी तो कश्मीर में जाके ये आंदोलन होगा और कश्मीर में जाके उमर अब्दुल्ला के ऊपर जूते फेंकने का काम भी ये थाना का युवा सेना करेगी। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जो हिंदुत्व की बातें करते हैं, जो 2.5 साल पहले जिन्होंने हिंदुत्व बाला साहब के विचार भेज दिए, बाला साहब के विचार खुर्ची के लिए त्याग दिए, वो उद्धव ठाकरे आज इंडिया के अलायंस में उमर अब्दुल्ला के बाजू में बैठते हाथ में हाथ डालते। अरे बाला साहब ठाकरे ने स्वाभिमान जगाया महाराष्ट्र में, मराठी लोगों में उन्होंने अच्छा स्वाभिमान जगाया, उनको अभिमान दिया, लेकिन उनके सुपुत्र आज जो महाराष्ट्र भवन को विरोध कर रहे हैं कश्मीर में उनके साथ बैठ रहे, इसका मतलब है कि बाला साहब ठाकरे के पूरे विचार इन्होंने बेचे हैं, बेच के खाए हैं और खाली सत्ता के लिए इंडिया अगाड़ी अलायंस में जाके बैठे। हमें आह्वान है संजय राउत और उद्धव ठाकरे जी को, युवा सेना कर रही है कि अगर महाराष्ट्र का अभिमान है, महाराष्ट्र के बदल स्वाभिमान है तो इंडिया अगाड़ी से बाहर निकलिए और इस उमर अब्दुल्ला का निषेध करके दिखाइए जिसने जम्मू कश्मीर में महाराष्ट्र भवन का विरोध किया है।